अस्सलाम वालेकुम भाई बहनों, मेरा नाम फरहान विर्क है और जैसा कि आप सब जानते हैं आज मेरा ट्विटर अकाउंट ट्विटर अथॉरिटीज़ ने सस्पेंड कर दिए। मैं कुछ चीज़ें आप सबको क्लियर करना चाहता हूँ। नंबर वन ये कि मेरा अभी फ़िलहाल कोई ट्विटर अकाउंट नहीं, जब होगा इंशाल्लाह मैं आप सबको इन्फॉर्म करूँगा। तो अभी मैं कोई ट्विटर अकाउंट नहीं चला रहा, कोई मेरे नाम से चल रहे हैं तो वो सारे फेक हैं। दूसरा मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपील किया है, जहाँ तक मुझे समझ लग रही है कि ट्विटर ने अकाउंट क्यों सस्पेंड किया है, तो उन्होंने शायद इसलिए सस्पेंड किया है कि ये लोग ट्रेंड करते हैं इसलिए हम इनका अकाउंट सस्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे रूल्स की वायलेशन है कि ट्रेंड चलाना जी हम अलो नहीं करते। इस पर मेरा ट्विटर अथॉरिटी से सवाल ये है कि दुनिया भर में BTS के लोग हैं जो कि वो कोरियन पॉप बैंड है, उसके गाने चलाते हैं, जो BTS के मुआलिफ होते हैं उनके खिलाफ भी ट्रेंड्स बनाते हैं। फिर वन डायरेक्शन के फैंस हैं। इंडिया में अगर आप जाएं BJP के लोग हैं, इंडिया में कांग्रेस के लोग हैं, वो ट्रेंड चलाते हैं। तो आपको पूरी दुनिया में क्या वो फिनोमेना नज़र नहीं आता जो आप पाकिस्तान में सिर्फ हमें आके टारगेट कर रहे हो? तो इससे पता चलता है कि ट्विटर एज अ मीडियम सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर रहा, कि पाकिस्तान में जो जिन बेचारों पर हाथ डलता है हमारे साथ जुल्म ज्यादती करते हैं, लेकिन जो बाहर के बड़े बड़े लोग हैं या बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर ग्रुप्स हैं उनको ट्रेंड चलाने पर आप कुछ नहीं कह रहे। तो ये उन्होंने ज्यादती की है और मेरा इस पर यही था, मैंने अपील की थी, लेकिन अभी फिलहाल तो मुझे कह रहे हैं कि हमने आपका अकाउंट नहीं खोलना। तो इसका मतलब यही है कि मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं अब रिटायर हो जाऊं। और बड़ा अच्छा टाइम गुजरा आप सबके साथ, आप सबकी मोहब्बतों का प्यार का बहुत शुक्रिया, लेकिन अब हालात ऐसे हो रहे हैं कि बड़ा मुश्किल हो गया है मेरे लिए इसे कंटिन्यू करना। तो मैं एक दफ़ा दोबारा अपील करूँगा, तो अगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी हुई तो वापस आ जाएगा, अगर ना हुई तो फिर इंशाल्लाह मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। ऐसे ही मुल्क का दिफा करते रहें, बेहतरीन तरीके से काम करते रहें। लेकिन मेरा अभी फ़िलहाल कोई ट्विटर अकाउंट नहीं, ना मेरा फ़िलहाल अभी फिर अब मैं बनाने का भी दिल नहीं कर रहा, तो मेरा आने का भी इरादा नहीं। अगर उन्होंने कर दिया तो ठीक, नहीं किया तो जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है वो हमें मंजूर है। तो आप सबका प्यार का, मोहब्बतों का, आप सबके ट्रेंड का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। मेरी तरफ से आप सबके लिए दुआएं हैं और आप सब भी मेरे लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला मुझे अब इस नई जिंदगी के इस नए रुख पर कामयाब करें।